नेटवर्क ऑन सोशल मीडिया, आपके बहुत सारे नेटवर्क बन जाते हैं लोगों से, बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत हो जाती है, तो आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू होता है, आपके लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, आपसे लोगों मदद मांगते हैं क्योंकि आप रेगुलर इंटरव्यू देने आते हैं, या लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं, जो काफ़ी लोगों को देखा है मैंने और मैं भी इवन खुद, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। पहले इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू, तीसरे चौथे डिस्कशन से, वहाँ से वहाँ से लोग खुद बुलाते हैं आपको कि आप हमारा इंटरव्यू या हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, तो लोग आपस में जुड़ रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। सो कहीं ना कहीं लोग ज़रूरी नहीं आपसे, वो भी आपसे वीडियो में बात करेंगे, वो ऑडियो में कर लेंगे, वो टेक्स्ट में कर लेंगे, लेकिन वो शख्स भी आपसे जुड़ेगा, आपसे बातचीत करना चाहेगा। सो ज़िंदगी में आपके जो सफ़र है और आपका जो नेटवर्क है सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं और जो अच्छे हैं सारे। बुराई भी हमेशा है, अल्लाह ताला हमें सबसे बचाए बुराइयों से, और जहाँ अच्छाई है और अच्छे नेटवर्क से लिंक करें और कनेक्शन बनाए हमारा, ठीक है, ये तो हम उम्मीद सबसे करते हैं और अच्छी उम्मीदें करनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ उम्मीद करते हैं, ख्वाब बनाते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं तो पूरी करते हैं हम। तो लाइफ का यही पार्ट हम अपने सोशल मीडिया पे भी प्ले कर रहे होते हैं, अच्छे इंसान की तरह, अच्छा जो करेक्टर है हमारा वो हम कर रहे होते हैं। बाकी ज़िंदगी में मुश्किलात सबकी है, सबकी मुश्किलात होती हैं, ड्यूरिंग द इंटरव्यू लेते हुए भी काफ़ी बार लोगों को मुश्किलात होती है, आपको भी होती है, आपका नेटवर्क कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका कनेक्शन अच्छे हो, आपको कनेक्शन अच्छे बनाने पड़ते हैं, आपको ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ते हैं, आपको बातचीत करनी पड़ती है, लोगों को भी हेल्प करना पड़ता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों से कैसे कनेक्शन बना रहे हैं, कैसे कनेक्शन नहीं बना रहे, ये बहुत अहम है। इस बात को अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेट के अच्छे कनेक्शन होने से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं बनते, आपको कहीं ना कहीं अपने ताल्लुकात के लिए गुफ्तगु, वक्त और अपना नॉलेज इन्वेस्ट करना पड़ता है सोशल मीडिया पर या फिर मज़ीद बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो आप एक वीडियो बना के डाल दो, चाहे वो आपने एक इंटरव्यू ले लिया किसी का, वो इंटरव्यू किसी ने देखा, आपसे मुतासर हुए और आपसे वो कनेक्ट हो गए, जुड़ गए आपसे, फिर आपकी उनसे बातचीत हुई, आप जितना टाइम देते हुए आपने उनसे हेल्प की, चाहे आप तालीम के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, तो आपके इस नेटवर्क बढ़ते जाएंगे इस तरह। लेकिन हर नेटवर्क को फ़ायदा उठाना प्रॉपरली आपकी अपनी मर्जी है, उसका प्रॉपरली आप वाइसली आप उसको यूज़ करो, बिल्कुल। सो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो सोसाइटी को, फिर इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा आपका लाखों का, लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे, आपकी लाखों आप लोग आपको सुनना चाह रहे होंगे, वक्त आएगा वो आहिस्ता आहिस्ता, वरना हज़ारों लोग तो आपके सुनते ही हैं आपको, लिंक्डइन पे है, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं आपको, मुझे, सबको, कहीं ना कहीं अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज पोस्ट कर रहे होते हैं। सो यही चीज़ें आपको अपने नेटवर्क के ज़रिए हेल्प करनी है, इसी हेल्प को जानेंगे अगली वीडियो में, तो आइए चलते हैं। थैंक यू।